अपनी दानिस्त पे उर्दू के सफ़े अव्वल के नावल नगार, अफसाना नगार और कालम नगार जनाब इंतज़ार हुसैन के खुतबात, सदारत, यादगारी लेक्चर्स और कलीदी खुतबात का मजमुआ है। इसमें उन्होंने उर्दू अदब के रोजानात, उर्दू अदब की रवायात और उस पर मगरबी अदब और अदीबों के असरात का जायज़ा लिया है। इंतज़ार हुसैन इस किताब में पाकिस्तान में अदब में कौमी शनाख्त के मसले को काला बाग डैम के मसले से ताबीर करते हैं, क्योंकि उनके ख़्याल में हम अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि हमारी कौमी तारीख की शुरुआत कहाँ से होती है, मौजूदा और हड़प्पा से या फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों की अपनी एक अलहदा शनाख्त। ये सवाल ना सिर्फ अदब में बल्कि सियासी सतह पर भी उठाए जाते रहे। एक तनाज़ा शुरू हुआ और तहजीब का मसला भी इसकी जद में आ गया। बहस इतनी बड़ी कि मज़हबी त्यौहार, मौसमी मेले तक इसमें ज़ेर बहस आ गए। और इंतज़ार हुसैन के ख्याल में हालत ये है कि ये बहस अदब के काला बाग डैम के मनसूबे की मानंद है, जिस पर आज तक इत्तफाक राय नहीं हो सका। आखिर में इंतज़ार हुसैन फरमाते हैं, सच पूछिए तो काला बाग डैम ही हमारी कौमी शनाख्त है, यानी इत्तफाक़ राय ना होने में ही हमारी कौमी शनाख्त मजमर है। इस इंतहाई खूबसूरत और लतीफ़ पैराए में जनाब इंतज़ार हुसैन ने पाकिस्तानी अदब के मसाइल को ही उजागर नहीं किया, बल्कि एक लिहाज से उन्होंने हमारी तवज्जो पाकिस्तान की कौम, उसके कौमी मिजाज और सियासी मसाइल पर भी रायज़नी की है। खैर, ये तो एक अदबी पहलू हो गया। हिस्टोरिया टीम आज के इस व्लॉग में इंतज़ार हुसैन की इस बात से ही इंस्पायर होकर ये खोज लगाने जा रही है कि आखिर काला बाग डैम का मसला क्या है और इस मसले के हवाले से पाकिस्तान ने अब तक कितना नुकसान उठाया है। काला बाग एक कुदरती पहाड़ी सिलसिला है। इसके दरमियान से दरियाए सिंध गुज़रता है। काला बाग के फौरन बाद पाकिस्तान के मैदानी इलाके शुरू हो जाते हैं, लिहाजा कुदरती तौर पर काला बाग एक बना बनाया डैम है। इसके दोनों जानेब ऊँचे पहाड़ हैं और इस मकाम पर दरिया के आगे सिर्फ दीवार बनाकर डैम बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के वस्त में होने की वजह से यहाँ तक रसाई बहुत आसान है। भारी मशीनरी, अफरादी कुव्वत और साजो सामान बग़ैर किसी दिक्कत के मनसूबे तक पहुँचाए जा सकते हैं। इससे आगे मैदानी इलाका होने की वजह से डैम से कई नहरें निकाल कर पूरे मुल्क में फैलाई जा सकती हैं। दरिया सिंध के आस पास 8 लाख एकड़ अराजी इससे सराब होने की तवक्को की जा सकती है। तकरीबन तरबेला और मंगला जितना पानी इसमें ज़खीरा किया जा सकता है। अगर बिजली पैदा करने वाली टर्बाइनों की तादाद बढ़ाई जाए तो सिर्फ इस मकाम पर 6000 मेगावाट से ज़ायद इंतहाई सस्ती पन बिजली पैदा की जा सकती है।
غازی بروتھا کی طرز پر نہریں نکال کر اور مقامات پر بھی بجلی پیدا کی جائے تو یہ ہزاروں میگا واٹ تک مزید بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس کی قیمت تقریباً 2 روپے فی یونٹ ہوگی۔ صرف زرعی شعبے اور خوراک کی پیداوار میں اس ڈیم سے حاصل ہونے والی آمدن 100 ارب روپے سالانہ متوقع ہو۔ بجلی سے حاصل ہونے والی آمدن اور کمائی اس کے علاوہ ہے۔ اس پانی کی جھیل مچھلیوں کی افزائش اور سیاحت کے لیے بھی موضوع ترین ہوگی۔ تربیلا اور منگلہ ڈیم جو 1960 کی دہائی میں بنائے گئے تھے اور پورے ملک کا آج تک ان پہ انحصار ہے، اب وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں۔ ان میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت اپنے آغاز سے لے کر آج تک انتہائی کم ہو چکی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج 90% سے زائد ہمارا ذخیرہ کرنے والا پانی ضائع ہو کر سمندر میں جا گرتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں آنے والے تمام دریاؤں پر بھارت نے ڈیم بنا لیے ہیں، اور یہ ہولناک حقیقت پاکستان کے لیے بہت ہی تشویشناک ہے۔ چنانچہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ بڑے ڈیم جیسے کالا باغ بنائے جائیں۔ کالا باغ شاید سی پیک سے بھی زیادہ اہم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوریا ٹی وی کی جانب سے غازی محمد عبداللہ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج بہت ہی اسپیشل وی لاگ ہے، اور یہ وی لاگ ہمارے پاکستان اور پاکستانیوں کی ایک اجتماعی بے حسی، اجتماعی سیاسی نااہلی کی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں، یہ ناظرین، یہ عین وہی جگہ ہے جہاں پہ کالا باغ ڈیم بننا تھا۔ وہ مجوزہ سائٹ ایگزیکٹ اس جگہ پہ میں آج آیا ہوں تاکہ آپ کو یہ دکھا سکوں کہ ہم نے اس قومی نوعیت کے انتہائی اہم ترین منصوبے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اس میں کون ذمہ دار ہے، افراد، سیاسی جماعتیں اور مختلف ادارے۔ اس کا تجزیہ ہمارے آج کے اس وی لاگ میں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فیصلہ پاکستانی عوام کے نام چھوڑتے ہیں۔ وہ خود دیکھیں، خود سوچیں اور فیصلہ کریں کہ اس قومی نوعیت کے منصوبے کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ کالا باغ ڈیم بننا تھا۔ اس وقت ہم کالا باغ ڈیم جا رہے ہیں، سوری جو سائٹ ہے اس کی، مجوزہ سائٹ، اس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کالا باغ پراپر جو جگہ ہے، جو آبادی ہے یہاں کی، ہم اس سے گزر رہے ہیں۔ شروع ہو جائے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ جنگل آئے ہیں سر آپ، وہ دوسرا۔ اچھا، اس میں یہ کالا باغ جو قصبہ ہے، اس میں ہم اس سے گزر رہے ہیں۔ بہت جلد ہم اس سائٹ پہ پہنچیں گے جہاں پہ مجوزہ کالا باغ ڈیم بننا تھا۔ کالا باغ ڈیم کی یہ سائٹ جس پہ ہم جا رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کے ان المیوں میں سے ایک ہے جو ایک انتہائی اہم ترین معاشی منصوبہ تھا۔ اس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس کی کیا سیاسی، تاریخی وجوہات ہیں اور پاکستان کو اس کے کیا نتائج بھگتنا پڑے، ان سب چیزوں پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ کالا باغ تھانہ جو ہے، یہ 1901 میں اسٹیبلش ہوا تھا۔ یہ نواب آف کالا باغ کا وہ پرانا تاریخی بنگلہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی انٹرنس ہے۔ یہ نواب آف کالا باغ کے تاریخی بنگلہ کی انٹرنس ہے، یہ دیکھ لیں۔ یہ بھی نواب آف کالا باغ واگی ہے، اس علاقے سے ہم گزر رہے ہیں۔
इतने मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड नहीं जितने बंगाली और इंडियन, क्योंकि पाकिस्तान तो खेलता ही नहीं। ये जो जितनी भी आबादी है ना सर तकरीबन, ये जितनी भी आबादी है ये यानी नई आबादी है। कालाबाग जो हिस्टोरिकल सिटी है वो आगे है। बड़ा ज़बरदस्त एक बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में वादी सी है, एक छोटी सी। ये सारी इजाफी नई आबादी है। आप देखें यहाँ से ये रास्ता जो है ये शकरदरा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ निकलता है। ये अब हम उस तारीखी ब्रिज से गुजर रहे हैं जो दरिया सिंध के ऊपर कालाबाग के मुकाम पे बनाया गया था। 1928 में ये इस्टेब्लिश हुआ था ब्रिटिश दौर में। लेफ्ट साइड पे वादी देखें, कालाबाग वादी देखें। अब ये देखें नाज़रीन, ये कालाबाग के इलाके की वो जो वैली, ये देखें नाज़रीन हम इस वक्त कालाबाग वैली से गुजर रहे हैं। पीछे हम ब्रिज छोड़ा है जी, ये बहुत ज़बरदस्त जी, ये बहुत ज़बरदस्त बना है। माड़ी इंडस कहलाता है। ये ट्रेन आती है वो एक्सप्रेस, ये माड़ी इंडस कहलाता है। ब्यूटीफुल, ये देखें करीब से देखें, सारा नमक है। ये देखें सारा नमक के पत्थर। नाज़रीन, कालाबाग डैम के लिए पहली तजवीज़ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी, यह आमतौर पर यह तासुर पाया जाता है। ख्याल किया जाता है कि उन्होंने मुतलका महकमा को 1948 में इस मकाम पर दरिया सिंध पर हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की हदायत की थी, लेकिन उनकी वफात के बाद उनके अहकाम को पसे पुश डाल दिया गया। 1951 में मौलाना मोहम्मद अली कसूरी जो लंदन से वापस आए थे, उन्होंने अपनी किताब मुशाहदात व काबुल और याग़िस्तान में पहली बार कालाबाग डैम के मुकाम को इंतहाई मुनासिब करार दिया था। वो ख़ुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़कर आए थे और फाटा से वापसी पर उन्होंने इस मकाम का ख़ुद मुशाहदा किया था। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस पर बाकायदा काम 1953 में शुरू हुआ। इब्तदाई तौर पर 1950 की दहाई में सर्वे भी करवाए गए थे, मगर बावजूद ये मंसूबा खटाई में पड़ता रहा। उस वक्त इस मंसूबे पर किसी को कोई एतराज़ न था, लेकिन जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौर में 1985 में जब इस पर अमल दरामद शुरू होने लगा, तो सबसे पहले मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा जो उस वक्त सूबा सरहद था की तरफ से इसकी मुखालफत की गई। बाद अज़ां सूबा सिंध की तरफ से कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत की। उस वक्त से अब तक ये मंसूबा कौमी सतह पर सियासत का बुरी तरह शिकार होता चला आ रहा है, जो हमारी कौमी बदकिस्मती है। हमने कालाबाग डैम साइट पर यहाँ के एक मुकामी रहायशी हाफिज नक्काश से भी मुलाकात की, जो कम से कम 3 से 4 पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं। हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि उनके इस मंसूबा के बारे में क्या तासुरात हैं, मुकामी आबादी क्या सोचती है, और क्या वो कालाबाग डैम बनाए जाने के हक में हैं या मुखालफत में। हाफिज़ नक्काश ने हमें बताया कि हम लोग दिलो जान से इस मंसूबे के हक में हैं और मजमई तौर पर मुकामी आबादी की तरफ से इसकी कभी मुखालफत नहीं की गई।
البتہ کچھ سیاسی لوگ اس منصوبے کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اہم پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اس جگہ کی زمین قدرے سم زدہ ہے اور اسی وجہ سے مقامی آبادی کی خواہش ہے کہ یہاں پر ڈیم بنے اور علاقہ آبپاشی اور کاشت کے قابل ہو سکے۔ ایک دلچسپ بات انہوں نے یہ کہی کہ اس ڈیم کے بالکل حق میں ہیں، لیکن ان کی ذاتی خواہش ہے کہ ڈیم کی زد میں آنے والے کچھ مزارات محفوظ رہیں، کیونکہ حافظ نقاش کا یہ ماننا تھا کہ اس طرح ڈیم روحانی اعتبار سے بھی نظر بد سے بچا رہے گا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ تاریخی اعتبار سے میاں والی کے سیاستدان ڈیم کی حمایت ہی کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر میاں والی کے سید خاندان کی تعریف کی جو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے خاصے پرجوش رہتے ہیں۔ حافظ نقاش کی اس گفتگو نے ناظرین ہمارے ذہنوں میں مزید سوالات کھڑے کر دیے۔ آخر پھر وہ کون لوگ ہیں جو اس اہم قومی نوعیت کے منصوبے کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں؟ آخر اس منصوبے کی راہ میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ جبکہ مقامی آبادی کے جن جن لوگوں سے یہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی ان میں اکثر لوگوں نے اس ڈیم کے حوالے سے انتہائی جوش، جذبے اور ولولے اور مثبت سوچ کا اظہار کیا، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جنہوں نے دل و جان سے اس ڈیم کے بننے کے لیے دعائیں کیں، کچھ لوگوں نے منتیں تک مانی ہوئی ہیں۔ حافظ نقاش کی اس حوصلہ افزا گفتگو نے ایک طرف تو میری امید کو مہمیز دی تو دوسری طرف میں اس سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈیم کی تعمیر کی بنیادی رپورٹیں بنانے پر ہی اس قوم نے اپنے 30 سال لگا دیے، اربوں روپے خرچ کر دیے، حالانکہ جنرل ضیاء کے دور میں اس ڈیم کے تمام کاغذی اور تکنیکی کام مکمل کیے جا چکے تھے، ابتدائی کام کا آغاز بھی ہو چکا تھا، اور آج بھی اگر نیت سے کام کیا جائے تو اس کو فوری شروع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اگر آج اس ڈیم کا آغاز کیا جائے تو اس کو مکمل ہونے میں بھی 5 برس لگ جائیں گے۔ جو وقت ضائع ہو چکا ہے اس کا کفارہ بھوک، پیاس، گرمی اور معیشت کی تباہی کی شکل میں پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، کالا باغ ڈیم کیوں نہ بن سکا؟ اس کے راستے میں حائل کون کون سی رکاوٹیں ہیں؟ ان سوالات کے جواب کی کھوج میں ہم نے یہاں کے مقامی ہاشمی خاندان کے ایک اہم فرد اور مقامی صحافی اعتزاز صاحب سے گفتگو کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اعتزاز نے اسٹوریا ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ اس منصوبے کے حوالے سے مجموعی طور پر ایک مثبت رویہ پایا جاتا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ مقامی سیاستدان، اشرافیہ اور میاں والی کے عوام اس منصوبے کی اہمیت سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ وہ نہ صرف میاں والی کے حوالے سے بلکہ پاکستان کی توانائی کے بحران کے حل کے حوالے سے بھی کالا باغ ڈیم کی تعمیر کو ناگزیر قرار دیتے ہیں۔ گفتگو کے دوران اعتزاز نے خاص طور پر نواب آف کالا باغ کے کردار کی تعریف کی اور دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی کے بعض رہنماؤں کے رویے کو بھی مایوس کن قرار دیا ہے۔ ہمارے ایک سوال پر انہوں نے اعتراف کیا کہ بعض اوقات پیپلز پارٹی کے کارپرداز بھی اس منصوبے پر منفی سیاست کرتے رہے ہیں۔ اعتزاز کا خیال تھا کہ کالا باغ ڈیم پر اٹھائے جانے والے اعتراضات زمینی حقائق کے منافی ہیں اور عمومی طور پر سیاسی نعرہ بازی کے لیے ہی استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ ناظرین، حافظ نقاش اور اعتزاز جیسے مقامی افراد سے ہماری گفتگو نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ مجموعی طور پر عوامی سطح پر میاں والی کے ضلع میں اس منصوبے کے حوالے سے ایک مثبت اور موافق فضا نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ احساس بھی ذہن میں ابھرا
कि झूठ और प्रोपेगंडा जदीद दौर की जंगों का एक मौसर हथियार है। बड़ी बड़ी जंगें सिर्फ प्रोपेगंडे के हथियार से एक गोली चलाए बग़ैर जीती जा सकती हैं, और आज हमारे ख़िलाफ़ हमारे दुश्मन ये मौसर हथियार बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमसाया मुल्क भारत हमारे ख़िलाफ़ सबसे बड़ा हथियार पानी का इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ हमारा पानी रोककर पाकिस्तान को तबाह करने की सलाहियत रखता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एटमी जंग के ज़रिए से। जब पानी रुकेगा तो पाकिस्तान की खुराक बिजली बनाने की सलाहियत तबाह होगी, सनत व हरफत और मईशत को ख़तरात लाहक होंगे, और मुल्क में खाना जंगी सी की कैफियत पैदा हो सकती है। सूबों में बाहम इख्तलाफात और झड़पें शुरू हो सकती हैं, और फिर खुदा न खास्ता वो हो सकता है जो यूगोस्लाविया में हुआ और जो आज शाम में हो रहा है। इन सवालात पर गौर करने की सख्त ज़रूरत है। नाज़रीन, ये ज़रा इबारत पढ़िए। कालाबाग डैम की असल साइट पर जहां इस मंसूबे का आगाज़ किया जाना था, यहां पर ये मशीनरी और इस पर लगा हुआ ये जंग ज़ुबान हाल से बहुत कुछ कह रहा है। इस पर कुछ दर्दमंदों ने स्प्रे पेंट के ज़रिए से कुछ तहरीर लिखी है जो खासी पुरानी मालूम होती हैं, कि डैम बनाओ अपनी नस्लों के लिए। इससे बेहतर पैगाम और हो नहीं सकता। ये जिसने भी लिखा है, मैं समझता हूँ कि उसके दिल की आवाज़ है, और इस मशीनरी पर लगा ये जंग यूँ महसूस होता है जैसे ये हमारे जहनों और दिलों पर लगा जंग है जो कौमी नौइयत के मंसूबों को भी मनफी सियासत का शिकार कर डालता है। आइए आपको दिखाएं कि इस साइट पर डैम के लिए लाई जाने वाली मशीनरी किस तरह बेयार और मददगार पड़ी हुई है। मैं कोई टेक्निकल माहिर तो नहीं हूं नाज़रीन, लेकिन एक अंदाज़ा है कि इस मशीनरी को खतीर रकम से ख़रीदा गया होगा, लेकिन आज ये इस वीराने में बेयार और मददगार जंग आलूद पड़ी हुई है। यहाँ पर आने वाले लोगों ने मुख्तलिफ औकात में अपने दिल की बातें इस मशीनरी पर रकम की हैं। मसलन, अपना पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़रा इस मशीनरी का बगौर जायज़ा लें और देखते जाइए कि मिन हैसुल कौम हमने इस मंसूबे के साथ क्या सलूक रवा रखा है। ज़रा इधर निगाह डालिए। ये वो इब्तदाई साजो सामान है जिसको पहले मरहले में यहाँ पे नस्ब कर दिया गया था, इसके निशानात तक लगा दिए गए थे, और ये इब्तदाई नौइयत का काम जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था, लेकिन फिर सियासी मसलहतें आड़े आ गईं और हालात मवाफिक ना हो सके, और बदकिस्मती से ये मंसूबा खटाई में पड़ गया। नाज़रीन, हमारे लिए ये बात नाकाबिले फहम है कि जब कालाबाग डैम पाकिस्तान के लिए मौतो हयात का अहम तरीन मसला है, और पाकिस्तान में बिजली और काश्तकारी के लिए पानी का जो बहरान है, इन बहरानों का हल भी कालाबाग डैम की तामीर में ही मुजमर है, तो फिर कालाबाग डैम की मुखालफत क्यों? कौन लोग हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं? मुल्क को पानी और बिजली के बहरानों से निकालने के लिए हर बड़ा सियासतदान, हर बड़ा लीडर बुलंद बांग दावे करता है। सबको मालूम है कि कालाबाग डैम के सिवा इन मसाइल को हल नहीं किया जा सकता। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक मरतबा कहा था कि जो कालाबाग डैम की मुखालफत करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। लेकिन नाज़रीन, इस सब के बावजूद वो कौन सी सियासी मसलहतें हैं जिनकी बिना पर कालाबाग डैम आज तक नहीं बन सका? नाज़रीन, ये ज़रा जगह देखें, ये कालाबाग डैम की जो उस साइट के साथ ही वो रहायशी कॉलोनी जो बनाई गई थी, जो उस दौर में जब इस मंसूबे पे आगाज़ थोड़ा सा किया गया था, तो इंजीनियर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए और तमाम वर्कर्स के लिए ये जो रहायशी कॉलोनी बनाई गई थी, ज़ाहिर है जब मंसूबे जो है वही खटाई में पड़ा, तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो सूरत हाल इस वक्त क्या है, ये खंडर का मंज़र पेश कर रही है। ख़तीर सरमाए से तैयार करदा ये तमाम जो बिल्डिंगें हैं, ये जो घर जो मकानात बने थे, ये ज़रा
कि हमारा कैमरा मैन इधर दिखाएगा कि ये जो हालत है इसकी ज़रा देखिए, ज़रा मुलाजा कीजिए और आप ख़ुद देखें कि इस कौमी नौइयत के मंसूबे के साथ क्या कुछ किया गया है। शीशे इसके टूटे हुए हैं, इसकी इमारत खासी मखदूश हो चुकी है, कोई यहाँ पर रहायशी नहीं है, ईंटें तक टूटी हुई हैं और इंतहाई एक वीराने और खंडर का ये नज़ारा पेश कर रही है। नाज़रीन, कालाबाग डैम के हवाले से हम अभी तक मुख्तलिफ लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त एतज़ाज़ मौजूद हैं जो कि एक हिस्टोरियन भी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए हिस्ट्री इनफिल हिस्ट्री किया हुआ है। इसके अलावा ये कालम नगार भी हैं, रोज़नामा पाकिस्तान में लिखते हैं। प्लस अहम बात यह है आज के वीलॉग के हवाले से कि ये मियांवाली के इलाके में एक बड़ा अहम जगह है, उसका नाम है तरक शरीफ। यहाँ पर उनका ख़ानदान तकरीबन 3 सदियों से आबाद है और वो इस इलाके की सियासत और इसके मुख्तलिफ मसाइल और उसकी नफ्सियात को समझते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एतज़ाज़ साहब, आप हमें ये बताएं कि अब तक कालाबाग डैम के हवाले से जो डिले हुआ है या इस पर अभी तक काम नहीं हो सका है, उसके पीछे सियासी वजूहात कौन सी हैं? बहुत शुक्रिया, मैं आपका ममनून हूँ कि आपने मुझे इस अहम टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मौका फ्राहम किया है। एक्चुअली जब भी हम कालाबाग के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक, कालाबाग डैम जो नेशनल और इंटरनेशनल अहमियत का हामिल है, और दूसरा नवाब ऑफ कालाबाग। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। उसकी वजह यह है कि जहाँ पर कालाबाग डैम बनना है वहाँ पर तकरीबन जितना भी एरिया है, ज़मीन है वहाँ पर जितनी भी, वो नवाब ऑफ कालाबाग की मलकियत है। और इस हवाले से जब भी डैम बनने की बात हुई थी पार्टीशन के बाद या क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से लेकर, जब भी इस डैम को बनाने की बात की गई है, तो नवाब ऑफ कालाबाग और इस इलाके के लोग जिनकी ज़मीन है, जो सबसे बुनियादी जो हर्डल क्रिएट कर सकते थे या मसला पैदा कर सकते थे कि नहीं ये हमारी मलकियत है ज़मीनें और हम डैम बनने के लिए ज़मीन नहीं दे सकते, वो हमेशा से तैयार रहे हैं। और मकामी लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर डैम बने, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे अनासर इसमें साइल पैदा कर रहे हैं जिनका दूर दूर तक इस डैम के साथ ताल्लुक़ भी नहीं है। मिसाल के तौर पर जब ज़ियाउल हक दौर में इस डैम को बनाने की बात की गई और सारी मशीनरीज़ वग़ैरह सारी चीज़ उस साइट के ऊपर पहुँचा दी गई, तब ANP ने सियासी अपना एक नारा लगाया और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए कि अगर कालाबाग डैम को बना दिया गया तो हमारा KPK सारा ज़ेर आब आ जाएगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। बताएं कि आप कुछ इलाकों के ज़ेर आब आने की आपने बात की है, तो वो इलाके कौन से हैं जिनके हवाले से ज़्यादातर एक तहफ़ुज़ात मौजूद हैं ANP के यहाँ और दीगर लोगों? नौशेरा का कुछ इलाका है जहाँ पर जब दरिया सिंध नौशेरा के मकाम पर पहुँचता है तो नौशेरा का कुछ दरिया के किनारे का जो इलाका है वो उसमें ज़ेर आब आ सकता है। लेकिन इसमें मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ऐड करता चलूँ कि जितनी बेनिफिट्स हैं या जितना इस प्रोजेक्ट के बनने से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, उसके मुकाबले में उसके नुकसान बिल्कुल 0.0% के लिए। इत्तेज़ाज़, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मालूमात में खातिर ख्वाह इजाफ़ा किया है और ख़ास तौर पे इस चीज़ की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है कि मुकामी लोग या यहाँ के मुकामी सियासतदान, इनमें ख़ास तौर पर नवाब ऑफ कालाबाग, उनकी पूरी तरह से सपोर्ट थी इस मंसूबे के हवाले से और यहाँ के लोग चाहते थे और अब भी चाहते हैं कि ये मंसूबा बने। जहाँ तक कुछ तहफ़ुज़ात की बात है तो मैं समझता हूँ कि मेरे कुछ ज़ाती मुशाहदे में चीज़ें हैं कि टेक्निकली भी इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग जो इसके माहरीन हैं उनकी अक्सरियत इस बात को निगेट करती है कि इससे नौशेरा के डूबने के ख़तरे वाली जो बात है या इस तरह की दीगर जो चीज़ें हैं, इनमें ज़्यादातर अप्रीहेंशंस जो हैं उनकी बुनियादें इंतहाई कमज़ोर हैं सारे। तो बहरहाल नाज़रीन, हम एतज़ाज़ साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी मालूमात में इजाफ़ा किया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नीचे दरियाए सिंध बह रहा है और अपनी पूरी आबोताब के साथ द माइटी इंडस शेर दरिया सप्त सिंधु इसके कदीमी नाम रहे हैं। इस दरिया ने इस पूरे खित्ते की हर एतबार से बहुत खिदमत की है, बहुत कुछ बख्शा है।
یہ ہماری قومی بے حسی، سیاسی اور انتظامی نااہلی ہے جو ہم اس سے بخوبی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ یوں سمجھ لیجئے اس انتہائی اہم منصوبے کو ہم پائے تکمیل تو درکنار، اس کا پوری طرح آغاز ہی نہیں کر پائے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کن لوگوں پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کیا یہ ہماری قومی بدنصیبی ہے یا ہماری قومی نااہلی؟ اس کا فیصلہ اسٹوریا ٹی وی آپ پر چھوڑتا ہے۔ امید کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے، ہمارے کارپردازوں کو، با اختیار طبقات کو، سیاسی لوگوں، سیاسی جماعتوں کو، کہ اس کو قومی منصوبہ سمجھتے ہوئے اس پر تمام تر سیاسی اختلاف کو بالا تر رکھ دیں۔ امید کرتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم جیسا قومی نوعیت کا منصوبہ یہ ہماری حکومت اور اس کے کارپرداز، اسی طرح سیاستدان، اعلیٰ عہدیداران، بیوروکریسی اور دیگر جو سماجی سیاسی تنظیموں کے عہدیدار اور من حیث القوم، ہم سب اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ اسٹوریا ٹی وی کا جہاں تک سوال ہے تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے یہ منصوبہ جلد از جلد شروع ہو اور تکمیل کی جانے پڑے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد